हेलो एवरीवन थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अच्छा आज से हमने ना एक नई सीरीज स्टार्ट करी है या फिर करने जा रहे हैं क्योंकि तो आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ भी हम इनिशियल लेवल पे जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं चालू करने की वो ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं उनके जितने भी पॉपुलर प्रोग्राम हैं उसका एक रिव्यू करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे कि उस इंस्टीट्यूट में जो वो प्रोग्राम बहुत फ़ेमस है उसको कैसे करना है कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं क्या एडमिशन प्रोसीजर है फीस कितनी लगेगी पढ़ाया क्या जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम वो देता है तो अगर आप चाहते हैं मैं और भी कॉलेजेस को ऐसे रिव्यू करूं उनके प्रोग्राम को रिव्यू करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही बेस्ड रहेगी ये सीरीज आगे वीडियो आएंगे या नहीं आएंगे या फिर डिफरेंट जो मैं जोड़ने के वीडियो बनाता हूं वही मैं कंटिन्यू रखूंगा तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बच्चा जो भी देख रहा है प्लीज मुझे बताइएगा ये सीरीज को कंटिन्यू करें या फिर आप कुछ अतरंगी सतरंगी और कुछ नया चाहते हैं मुझसे राइट चलिए स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में एम को एम के कोर्स को हम रिव्यू कर रहे हैं वो भी के जी सौम्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई का।, का काफी फेमस ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है बी स्कूल है जो कि आपको एम ऑफर कर रहा है तो अगर आपका सपना है के जी से एम करने का या फिर एम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करने का आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा रिव्यू करेंगे पूरे प्रोग्राम को हम रिव्यू करेंगे क्या इस इंस्टीट्यूट की खास बात है कैसे ये इंस्टीट्यूट प्रोग्राम को ऑफर करता है कितनी फीस में ऑफर करता है क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है क्या इसकी हिस्ट्री है सब कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को सबसे पहले एक हाईलाइट बताता हूँ आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ द एम बी ए डिग्री बाय द के जी स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज अंडर द अवार ऑफ़ सौम्या विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी इसके अंडर में ये के जी सौम्या डिग्री प्रोवाइड कराता है सौम्या विद्या मंदिर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अलावा भी काफी सेंटर हैं जो कि वेरियस वेरियस डिफरेंट कोर्सेस को, को प्रोवाइड कराते हैं मतलब सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आता है हमारा केजी जी सौम्या ठीक है केजी जी सौम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज रैंक 71 वन अभी जो निर्फ की रैंकिंग रिलीज हुई थी 2022 की उसमें 71 रैंक में था आउट ऑफ 125 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्लस ये सेकेंड रैंक पे था अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में और सेवेंथ रैंक पे था अंडर ऑल इंडिया बी स्कूल कैटेगरी में टाइम्स बी स्कूल की 2022 की रैंकिंग में तो रैंकिंग काफी ठीक ठाक है निर्फ में भी 71 रैंक है और टाइम्स uh, के जो रैंकिंग निकलती है उसमें भी सेवेंथ ये ओवरऑल रैंक प्राइवेट बी स्कूल में रखता है तो काफ़ी अच्छी इसके रेपुटेशन है एक और चीज़ खास बात ये है डबल ए सी एस बी का इसके पास एग्रेडेशन है जो कि टॉप क्लास मैनेजमेंट बी स्कूल को ही प्रोवाइड कराता है ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है जो कि के जे सौम्या के पास है के जे सौम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है इनकी जो प्लेसमेंट uh, रिकॉर्ड है वह एवरेज सैलरी का गॉन गॉनअप फ्रॉम रूपीज टेन टू एवरेज सैलरी है नियर अबाउट है मतलब अभी रिसेंट प्लेसमेंट का अगर हिस्ट्री देखें इनका तो एवरेज प्लेसमेंट रहा है दस लाख रुपए और हाइएस्ट जो पैकेज गया है वो गया है छब्बीस लाख पर एन एम एम बी ए प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं इज दैट मेक्स एंस टॉप रिक्विटर्स कौन से हैं कौन सी कंपनी आती है इनके इंस्टीट्यूट में बच्चों को हायर करने गूगल आती है एच यू एल आती है गैप आता है एच एस बी एस सी आता है अमेजॉन आता है इन्वेस्को क्रिसल सिटी बैंक मॉगन स्टैनली बाकलेस एस एपी डिलॉयट एसेंचर कैबिगनी तो बिग फोर भी आती है इनमें राइट बैंकों में ड्यूचो बैंक है डी बी एस बैंक है गोल्डमैन सैचिस है एच डी एफ सी है एच पी है डेल है तो काफ़ी अच्छी अच्छी आई टी सेक्टर से रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए के जे स्वामी हेज एन एकेडमिक कोलब्रेशन इनका यूएस यूरोप और एशिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के साथ है ताकि ये अपने प्रोग्राम व एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हैं ताकि आप कुछ समय के लिए अपने एमबीए प्रोग्राम के दौरान ही बाहर यूके यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी अपनी एजुकेशन को गेन करें फैकल्टी मेंबर अच्छा ये सब कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के स्पेसिफिक फिगर है तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन यहां पर नहीं कर रहा हूं ये एमबी यूनिवर्स डॉट कॉम वेबसाइट से मैंने फिगर लिए हैं प्लस मैंने क्रॉस चेक इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी करा है तो यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक ये फिगर हैं

एम में के जी में हमारा बच्चा दो साल का फुल टाइम एम प्रोवाइड कराता है प्लस आपको एग्जीक्यूटिव एम भी कराता है पहले फुल टाइम एम बी दो साल का ये प्रोवाइड कराते हैं तीन मेजर यहां पर एम प्रोग्राम ये प्रोवाइड करा रहे हैं पहला है एक नॉर्मल एम बी जहां पर मेजर और माइनर आपको ऑफर होते हैं मेजर की बात करेंगे तो डाटा साइंस एनालिटिक्स मार्केटिंग फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन तो ये आपको मेजर ऑफर होते हैं शुरुआत का फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं सेकेंड ईयर से आपको जो भी आप मेजर चुनते हैं माइनर चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलते हैं माइनर की बात करेंगे तो बिजनेस एनालिटिक्स माइनर मतलब होता है बच्चा स्पेशलाइजेशन आप इसको बोल सकते हो एक तरह से है ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की स्पेशलाइजेशन uh, की नॉलेज गेन करने का मौका मिल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सस्टेनेबिलिटी आपको ये है हमारे मेजर ये है हमारे माइनर जो आपको एमबीए में मिलते हैं दूसरा जो एमबीए का प्रोग्राम है ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट को अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुके हैं आपका बैकग्राउंड पीसीबी का रह चुका है मेडिकल सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है हेल्थ केयर में अपना कैरियर बनाना है तो आप एमबीए कर सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में खास बात क्या होगी कि फर्स्ट ईयर से ही आपको जो आपके कोर्स के कंटेंट होगा वो आपका हेल्थ केयर से रिलेट ही करेगा तो आपको बेटर रहेगा अपना दो साल स्पेसिफिकली हार्ड अपनी लाइन में अपना कैरियर बनाने में यहां पर अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट रिटेल एससीएम हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग डाटा एनालिटिक्स आपको जैसे स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन के जी में ऑफर करता है वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर जो जितने भी स्पोर्ट्स प्रेमी हैं जिसको स्पोर्ट्स फील्ड में कैरियर बनाना है एज अ कंसल्टेंट एज एज मैनेजर उनके लिए बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशन है पर आप मार्केटिंग ब्रांडिंग मीडिया मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इवेंट टूरिज्म मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लीडरशिप में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं राइट तो तीन एम प्रोग्राम के जी ऑफर करता है एमबीए जिसमें माइनर और मेजर होते हैं एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ठीक है एक और वन ईयर का एमबीए ऑफर करता है लेकिन ये स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव एमबीए है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है इसके लिए मिनिमम पांच साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मंथ ऑफ अप्रैल और मे में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अच्छा फीस की बात कर लेते हैं तीनों की फीस स्ट्रक्चर में आपके सामने रखता हूं एमबीए विद मेजर और माइनर अगर आप करते हैं तो सिमिलर फीस स्ट्रक्चर है ट्वेंटी लैख के नियर अबाउट इसका दो साल का फीस स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग अ ट्यूशन फी ठीक है हेल्थ केयर का भी सेम स्ट्रक्चर है और एमबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भी आ, सेम स्ट्रक्चर है आपको अलग से क्वेश्चन मनी देनी पड़ती है टेन थाउजेंड की और एल्यूमिनी फी देनी पड़ती है ढाई हजार रुपए की तो ये एक्सक्लूडिंग है आ, इस कोर्स की फीस में क्लियर हो पा रहा बच्चा तो नियर अबाउट आपको 20 लाख ,00 का एक अप्रॉक्स फिगर लेके चलिए दो साल का एमबीए करने का के जी सौम्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अच्छा यहां पर सीट्स कितनी होती है बच्चा अगर आपको एमबीए मेजर और माइनर करना है तो 600 प्लस सीट्स अवेलेबल है हेल्थ केयर के लिए ओनली थर्टी सीट्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए भी ओनली थर्टी सीट्स अवेलेबल है अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है क्या इजिली एडमिशन मिल जाता है नहीं यहां पर के जी सौम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको तीन साल का ग्रेजुएशन होना जरूरी है एटलीस्ट पचास परसेंट फॉर जनरल कैटेगरी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जरूरी है मतलब ग्रेजुएशन होना जरूरी और मिनिमम पचास परसेंट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है अगर आपको के जी सौम्या से अपना एम बी ए करना है एक और चीज एंट्रेंस कौन सा लगता है सर देखिए एंट्रेंस मल्टीपल एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देता है चाहे वो कैट हो जेट हो सी हो एन हो इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है जी के भी ये स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करता है तो इनमें से कोई भी एंट्रेंस आपने दिया है इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है क्लियर हो पा रहा है तो दो तीन एजुकेशन रिक्वायरमेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50 आपका होना चाहिए और इन चारों में से किसी एक एंट्रेंस को आपको देना जरूरी है उसमें अच्छे मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए बहुत लोअर परसेंटेज भी नहीं एटी एटी फाइव भी आपकी अगर आपकी रहती है कैट वगैरह में जेट वगैरह में तो आपका एडमिशन हो सकता है सिर्फ एंट्रेंस है क्या जीडीपीआई है या नहीं है बिल्कुल होता है एक फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है वो भी अभी हम देखने वाले हैं ठीक है थीके? चलिए के जी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जैसे मैं आपको बता रहा था बच्चा बैच 2020 और 22 का पिछले साल का जो हमारा बैच था हाईएस्ट सैलरी गई है 26 लाख एवरेज सैलरी 10 लाख जैसे मैंने आपको बताया मीडियम गई है 10 लाख के नियर अबाउट टोटल रिक्रूटर्स 195 कंपनीज आई थी कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए न्यू रिक्रूटर्स थे 43 और ये टॉप हमारे रिक्रूटर्स थे जो पिछला सेशन इनका गया है एम प्रोग्राम के लिए इंडिया के टॉप मोस्ट रिक्रूटर्स कंपनी आई थी इनके प्लेसमेंट प्रोग्राम में हायरिंग के लिए ठीक है चलिए बच्चा एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा था तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड का सिर्फ थर्टी लिया जाता है केस एनालिसिस होता है बच्चा यहाँ पर कई जगह केस एनालिसिस बोलते हैं है, 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 है है, है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो एक एडेड एडवांटेज है तीनों एम मेजर माइनर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और हेल्थ uh, केयर वाले के लिए थोड़ा सा uh, जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन मेजर मेजर यही चीज वहां पर काउंट होती है वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर है तो उसके अलग से टेन परसेंट आपको मिलता है अगर एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो ट्वेल्व परसेंट है टोटल हंड्रेड परसेंट है एक दो चीजें और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने बैचलर और अपना पीजी डिग्री किसी निर्फ रिकॉग्नाइज अच्छी यूनिवर्सिटी से करी है तो उसके भी आपको वन मार्क मिलता है राइट बच्चा तो समअप करते हैं वीडियो को देखिए के जी सॉम काफी अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि एम प्रोग्राम ऑफर करता है तीन स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताई है बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं अभी ये तीन मेजर उनकी स्पेशलाइजेशन है जिन ऊपर उनका फोकस है ग्लोबल रिकॉगनाइेशन भी काफी अच्छी है टाइप भी उनका काफी अच्छा है वेरियस वेरियस बाहर के इंस्टीट्यूट के साथ फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट देखिए अच्छे कॉलेजेस का मुंबई जैसी जगह में अगर ये फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कॉमन है ट्वेंटी लैक के नियर अबाउट आपका फीस स्ट्रक्चर रहता ही रहता है और एडमिशन प्रोसीजर में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टफ है रिलेटिवली मैं इजी नहीं बोलूंगा थोड़ा टफ है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी एंट्रेंस के लिए तो आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे लेवल पर क्रैक करते हैं तब जाकर आपको आ, अच्छा आ, फिर आपको आ, पी वगैरह में जैसे मैंने बताया आपको एंट्रेंस वगैरह के भी सिर्फ थर्टी फाइव परसेंट है तो आपको और अदर जो आपकी फील्ड है पी आई है केस एनालिसिस है उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो हमने के जी सौम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एम बी प्रोग्राम के ऊपर अगर आपको पसंद आया होगा अगर यही सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे और नेक्स्ट किस इंस्टीट्यूट का और किस प्रोग्राम का प्रोग्राम आप चाहते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए बच्चा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय आपने मुझे अपना कीमती समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना आएगा थैंक यू सो मच